हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल में। हम लोगों ने विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझ रहे थे हम लोग पिछली क्लास में। तो विद्युत अपघटन का जो मैंने बताया था क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने दोनों समझ लिया था। एक बार मैं रिपीट कर दूं, हमने देखा था कि विद्युत अपघटन का मतलब, मैंने समझाया था आपको कि विद्युत अपघटन का मतलब है कि किसी भी विद्युत अपघटनी विलयन को किसी पात्र में लेकर दो इलेक्ट्रोड लगाकर उसमें अगर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो विद्युत अपघटनी विलयन है, जो लवण का विलयन है, वो धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है। धनायन प्लस चार्ज है तो कैथोड की तरफ जाता है और वहां पर अपचयित होता है, और ऋणायन माइनस चार्ज है तो एनोड पर जाता है और वहां पर वो आक्सीकृत हो जाता है। इस पूरी घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। इस विद्युत अपघटन की अभिक्रिया में हमने देखा था कि कई बार कैथोड पर कोई ना कोई पदार्थ अवक्षेपित होता है और कई बार गैसें भी मुक्त होती हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने आपको बताया था कि जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है, उस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में हमने ये समझा था कि जो पदार्थ इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित होता है उस पदार्थ का भार कितना है, इसकी गणना कैसे की जाए, है ना। धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका मान, कितने समय के लिए प्रवाहित हो रही है उसका मान, इन सब चीजों से जो कैलकुलेशन किए जाते हैं उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फराडे के नियम है, दो नियम मैंने आपको बताए थे फराडे के, पहला नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ये एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं। प्रथम नियम में देखें, ये हमने आपको समझाया था कि जब एक विद्युत अपघटनी विलयन में एक निश्चित धारा एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित पदार्थ का भार सेल में प्रवाहित वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है। मतलब W की वैल्यू Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और Q की वैल्यू I इंटू टी होती, तो W की प्रोपोर्शनल होगा I इंटू टी के। अब इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगी, कांस्टेंट आएगा Z, तो ये हो जाएगा Z इंटू I इंटू टी, जहां पे Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये प्रथम नियम में बताया गया, इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया गया, इसको और ज्यादा फॉर्मूले को आसान किया गया द्वितीय नियम से। देखिये द्वितीय नियम में मैंने बताया कि अगर कई सारे विद्युत अपघटनी सेलों को एक सीरीज में जोड़ दिया जाए और सभी विद्युत अपघटनी विलयनों में समान धारा को समान समय के लिए प्रवाहित किया जाए, मतलब जैसे 2 एम्पियर धारा प्रवाहित की गई तो 2 एम्पियर सभी में प्रवाहित की गई, 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की गई तो 10 सेकंड के लिए सभी में प्रवाहित की गई। भाई एक तरफ से आप धारा प्रवाहित करोगे, सीरीज में जुड़े हैं, जब सीरीज में जुड़े हैं तो जो धारा आप यहां प्रवाहित करोगे पहले विलयन में वो सभी में चली जाएगी, और जितने समय के लिए आप प्रवाहित करेंगे उतने समय के लिए सब में प्रवाहित होगी। तो इसमें यह बताया कि अगर ऐसी स्थिति है तो हर एक इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ अवक्षेपित होगा उसका भार उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। मतलब पदार्थ जो अवक्षेपित होगा इलेक्ट्रोड पर उसका भार उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो इस हिसाब से सिल्वर का जो यहां अवक्षेपित हुआ तो सिल्वर का भार सिल्वर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, कॉपर का भार कॉपर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, हाइड्रोजन का भार हाइड्रोजन के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिल्वर के भार को कॉपर के भार को डिवाइड करें तो ये इनके तुल्यांकी भार के रेशियो के बराबर होगा। ऐसे ही कॉपर और हाइड्रोजन के भार का रेशियो लेंगे तो कॉपर और हाइड्रोजन के तुल्यांकी भार के रेशियो के बराबर होगा। तो अब यहां से देखें, अगर मान लीजिए कि पहले इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ अवक्षेपित हुआ उसका भार W1 है तो ये हो, अब क्योंकि समान धारा प्रवाहित की गई तो IT की वैल्यू दोनों विलयनों में बराबर होगी, तो W1 इक्वल टू Z1 IT, W2 इक्वल टू Z2 IT प्रथम नियम से। तो W1 अपॉन W2 की वैल्यू IT कैंसिल हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2, यानी कि W जो है वो Z के समानुपाती है, और हमने बताया कि WE के भी समानुपाती है, WE के भी समानुपाती है, WZ के भी समानुपाती है। तो इसका मतलब E जो है वो Z के समानुपाती है। ये जो E है भाई WE के समानुपाती, WZ के समानुपाती, तो E जो है
वो ई जेड के समानुपाती होगा, यही रिलेशन तो होगा कि ई समानुपाती होगा जेड के। यहां पे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, ये मैंने समझाया था, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, क्योंकि फराडे के नियम पे चल रहे हैं, तो ये जो फराडे के कांस्टेंट के बराबर आता है, इसे कहते हैं एफ को फराडे कांस्टेंट। इसका मान 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के बराबर होता है, यानी 96,500। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये जेड की वैल्यू हमको चाहिए, जेड इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। तो प्रथम नियम में जो पहला नियम था W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, यहां पर जेड का मान ई अपॉन एफ रख दिया जाए, तो देखें तो ये जेड की जगह ई अपॉन एफ आई इंटू टी। तो ये जो पदार्थ अवक्षेपित होगा विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर जो पदार्थ अवक्षेपित होगा उसका हम भार निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कराया था, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, चलिए ध्यान देते हैं। या एक चीज पहले मैं समझा दूं आपको, तब उसके बाद आगे बढ़ाऊं। ये चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। एक जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में 9.65 एम्पियर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड पर अवक्षेपित जिंक का भार ज्ञात कीजिए, जिंक का भार ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही सवाल जैसा आपको ऊपर दिख रहा है कॉपर सल्फेट वाला। तो देखें कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की, जिंक डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, जाहिर सी बात है। तो यहां पे देखें ये आई का मान 9.65 एम्पियर और टाइम जो 2 घंटे के लिए प्रवाहित की गई, तो 2 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होता है और इसको सेकेंड में परिवर्तित करना पड़ेगा, तो इतने सेकेंड हो गए। और जिंक का तुल्यांकी भार 65, इसका परमाणु भार होता है, वैलेंसी 2। तो ये चलिए यही रहने देते हैं, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो W इक्वल्स टू जिंक का तुल्यांकी भार I इंटू टी अपॉन 96,500। तो 65/2, I की वैल्यू 9.65, टाइम 2 × 60 × 60 और ये 96,500। ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, देख लेते हैं कुछ कट जाए, जो कट जाए उनको काट दीजिए। ये 2 से 2 भी कट जाएगा, ये 965 से ये कटेगा तो 100 आ जाएगा, और ये 65 है तो 5 से कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और ये 5 × 2 = 10 = 20। तो मेरे ख्याल से देखिए सब कुछ कट गया है, ऊपर केवल 13 बचा है और नीचे मेरे ख्याल से 20 बचा है। तो 0.65 ग्राम कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा। ये तो सिंपली सवाल समझ लिया। अब इसी को थोड़ा सा, जैसे हमने आपको बताया, मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोड पर कभी कभी कोई गैस बनती है, जैसे हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया था, उसका विद्युत अपघटन जब कराया था
तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई थी, सॉरी क्लोरीन गैस मुक्त हुई थी। तो इस विद्युत अपघटन में यहाँ पे गैसें अवमुक्त होती हैं, तो गैसों का हम भार नहीं निकालते बल्कि गैसों का आयतन निकालते हैं। तो गैस का आयतन कैसे निकलेगा ये समझिए। तो इलेक्ट्रोड पर अवमुक्त गैस का आयतन, बहुत आसान है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना है। इक्विवेलेंट वेट की जगह इक्विवेलेंट वॉल्यूम इंटू आई इंटू टी अपॉन 96,500, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें VE को हम कहते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन गैस के लिए VE का कैलकुलेशन करना है, तो ऑक्सीजन गैस का अणुभार क्या होगा? 16 इसका परमाणु भार होता है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस का STP पर आयतन, ये मोल कंसेप्ट से 22.4 लीटर। तो 32 ग्राम का 22.4 लीटर है ना। अब ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 8। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का STP पर आयतन 22.4 अपॉन 32 × 8 है ना, ये 8 से 32 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 22.4 अपॉन 4 और ये 5.6 लीटर आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन के लिए VE की वैल्यू है। मतलब कि हमें पता है कि अणुभार का जो STP पर आयतन होगा वो 22.4 होता है, तो उसके तुल्यांकी भार का STP पर आयतन, ये आयतन जो आता है 5.6, ये VE की वैल्यू है और ये क्या होता है, ये तुल्यांकी भार होता है। आई बात समझ में? ऐसे हाइड्रोजन गैस के लिए निकालेंगे तो हाइड्रोजन गैस का अणुभार 2 ग्राम, 2 ग्राम का आयतन 22.4, तो तुल्यांकी भार 1 होता है, तो 1 ग्राम का आयतन 22.4 का आधा हो जाएगा 11.2, उसके लिए VE का मान हो जाएगा। अब देखें एक प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न लिया जाए, क्वेश्चन देखें, दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। कैडमियम सल्फेट के जली विलयन में, कैडमियम सल्फेट के जलीय विलयन में 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा कैडमियम सल्फेट का जली विलयन, नहीं कैडमियम सल्फेट के विलयन, जली विलयन ले लेंगे तो वाटर भी आ जाएगा। 2 एम्पियर की धारा 8 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है, आठ एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो एनोड पर मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस का आयतन STP पर ज्ञात
कीजिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, एसटीपी पर आयतन ज्ञात करना है। कॉपर सल्फेट विलयन को जो है वो जली विलयन ही लेंगे, जली विलयन नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन गैस कैसे प्राप्त होगी फिलहाल। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑक्सीजन का चाहिए, तो इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम आई इंटू टी अपॉन 96,500। बस सीधा सवाल, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप सीधे सीधे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, है ना, वो प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाएगा। तो जो काम आप एक लाइन में कर सकते हो वो काम आपको चार पांच लाइन में करनी होगी। वीई आप जानते हो कौन सी गैस की बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस। अभी निकाला 5.6, 2 एम्पियर 8 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है। तो 8 मिनट का मतलब 8 × 60 अपॉन 96,500, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब देखें, इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, एक पॉइंट हटा के एक जीरो लगेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और टू को कैंसिल कर लेते हैं, टू टू जा फोर, नहीं सॉरी, टू फोर जा एट, टू एट जा 16, टू टू जा फोर, टू फाइव जा 10, ये जीरो और भी कैंसिल हो जाएगा, टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू फाइव जा 10। और जरा सिंपल नहीं कर पाएंगे इसको, 56 इंटू ऊपर 4 इंटू 6 बचा और नीचे 24, 125। ये सॉल्व कर लेंगे, इतना लीटर आयतन, क्योंकि ये जो 5.6 हमने लीटर लिया है ये एसटीपी पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सीधा अगर कभी क्वेश्चन में देख लें, जो चीजें बची थी उसको इसको आपको सॉल्व कर लेना है, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ना। तो इतना लीटर एसटीपी पर ऑक्सीजन गैस अवमुक्त होगी। और कभी कहता है क्वेश्चन में कि इस ताप और इस दाब पर ज्ञात करिए कि कितना आयतन मुक्त होगा, जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में बढ़ा दिया होता कि जो अवमुक्त होने वाली ऑक्सीजन है उसके आयतन की गणना कीजिए एक वायुमंडलीय दाब पर और 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो ये जो आप कैलकुलेट करते हैं ये एक वायुमंडलीय दाब पर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, इस पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाता आपका P1। इसको 273 ऐड कर लेते तो ये T1 और जो आयतन निकालते वो V1 और T2 उस केस में हो जाता आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 यानी 300 केल्विन T2 हो जाता। P2 आपको जो दिया है प्रेशर, एक एटमॉस्फेयर ही दे रहा हूं मैं, और V2 आपको फाइंड करना है। तो ये P1 V1 अपॉन T1, ये एसटीपी वाला इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो इस पे इस फॉर्मूले को रख करके आयतन को जिस ताप पर और जिस दाब पर चाहिए उस पे निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कुछ और तरह के सवाल भी इस पे कर लेते हैं, और तरह के सवाल, जैसे कभी कभी आवेश पूछ लेता है। जैसे देखें एक प्रश्न है, इसमें इसी में कर लेते हैं, एक मोल एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में अपचयित करने के लिए अपचयित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कितने कुलाम आवेश की आवश्यकता होगी।
तो ऐसी अभिक्रियाओं में एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम आयन को परिवर्तित करना है एल्युमिनियम में, एक मोल है, एक मोल बनेगा, तो इसको तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, तो ये एक मोल है तो आवेश कितना लगा, तीन मोल, या इसी को कहते हैं तीन मोल पर आवेश तीन फैराडे, तो आवेश कितने आवेश की आवश्यकता हुई, जो आवेश चाहिए वो तीन फैराडे, कभी कभी इतना ही रख के छोड़ देते हैं फैराडे में पूछेगा तो, नहीं 3 × 96,500 कूलम्स, ये जीरो, ये जीरो, ये 15 × 5 हो गया 18, 1 19 और 28, इतने कूलम आवेश की जो आवश्यकता पड़ेगी। इसमें और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेते हैं, एक आध दो। देखें, निम्नलिखित अपचयन में आवश्यक आवेश की गणना कीजिए, आवश्यक आवेश की गणना कीजिए। पहला है एक मोल MnO4- को Mn2+ में परिवर्तित करना है, दूसरा है एक मोल Cr2O7- को Br3+ में परिवर्तित करना है, है ना। और ऐसे ही एक आध और ले लेते हैं, एक मोल FeO को Fe2O3 में परिवर्तित करना है। इन तीन परिवर्तनों में आपको आवेश की गणना करनी है, है ना। अपचयन यहां पे इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ऑक्सीकरण के लिए हमने दे दिया। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं, एक मोल MnO4- आपको समीकरण संतुलित करना आता है, क्योंकि वो आप क्लास 11th में सीख चुके हो। एक मैग्नीज बराबर है चार ऑक्सीजन, तो क्या करते हैं, चार जल के अणु जोड़ देते हैं जिससे ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाए। आठ हाइड्रोजन बढ़ गए तो 8H+ ऐड कर देते हैं। अब देखिए इसने 8 इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इसने ग्रहण किया, तो लेफ्ट हैंड साइड ने 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, जबकि राइट हैंड साइड ने केवल 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। लेफ्ट हैंड साइड 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट हैंड साइड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज कर रहा है कि नहीं, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन वापस करिए। कितना मोल यूज किया गया, एक मोल MnO4, एक ही मोल चाहिए था। कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगे, मतलब 5 फैराडे आवेश की आवश्यकता हुई, मतलब 5 × 96,500 कूलम्स आवेश की आवश्यकता हुई। 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 30 × 2 = 32, 5 × 9 = 45, 46 × 47 = 48, इतने कूलम की आवेश की आवश्यकता हुई। ऐसे ही दूसरे वाले को करेंगे Cr2O7-, Br3+, 2 क्रोमियम है, पहले क्रोमियम को बराबर करिए, 7 ऑक्सीजन है तो 7 जल के अणु जोड़े जाएंगे और 14H+ जोड़े जाएंगे। इसने 14 लूज किया, 2 इसने गेन किया, तो 12 लूज हुआ, यहां 6 लूज हुआ, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आपको देना पड़ेगा। तो एक मोल के साथ 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, मतलब 6 फराडे आवेश की आवश्यकता होगी, मतलब 6 × 96,500, ये 0 0, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 37 × 38 = 39 और 6 × 9 = 54, 55 = 56 = 57,
इतने कूलम की आवेश की आवश्यकता पड़ी, दिखाई दे रहा है आपको। और देखिए तीसरा वाला भी ले लेते हैं इसी में, FeO को कन्वर्ट किया गया Fe2O3। दो आयरन है, पहले आयरन को बराबर करिए, ऑक्सीजन दो है उधर तीन है, तो एक जल काणु जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन दो हो गए तो दो H प्लस ऐड कर दीजिए, यहां पर कोई आवेश नहीं, यहां पे दो लूज कर रहा है तो इसको दो दे दीजिए। तो ये दो मोल के साथ दो मोल इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए, तो एक मोल के साथ पूछा गया है तो एक मोल के साथ एक मोल इलेक्ट्रॉन ही इस्तेमाल होंगे, यानी कि 1 फेराडे यानी 96,500 कूलम्स आवेश की आवश्यकता होगी। समझ में आई बात सबको? तो ये विद्युत अपघटन से संबंधित प्रश्न है, इनको किस तरह सॉल्व किया जाता है मैंने तरीका बता दिया, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना, उनको भी आप कर सकते हो। तो ये टॉपिक हो गया, है ना। अगली क्लास अब हम इसके बाद का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ही सेक्शन बचा, कंडक्टेंस के बारे में समझना है हमें, कंडक्टेंस कैसे निकाला जाता है, कंडक्टेंस होता क्या है, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे, है ना। तो अगली क्लास, अभी हमको इस चैप्टर में दो क्लास और लेना पड़ेगा, दो क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तब तक आप लोग अपना अपना जो है क्वेश्चन करिए, कोई समस्या है तो पूछिए, और अगर कोई इस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये 6 प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, 6 प्रश्न, पहले 2 प्रश्न मैं बता दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं। CrO3 युक्त अम्लीय विलयन में से क्रोमियम को निम्न समीकरण अनुसार प्राप्त किया था, CrO3 4 6H+ 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम 3, जब 12,000 कूलम आवेश द्वारा प्राप्त क्रोमियम के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो क्रोमियम का जो द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है उसको 1200 कूलम दे दिया, तो I×T, ये किसकी वैल्यू दिया है, ये I×T की वैल्यू दे दिया, क्रोमियम का इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो परमाणु भार 52 होता है और वैलेंसी होती है 3, तो इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा, उसको रख दीजिए, IT दिया हुआ है अपॉन 96,500 द्रव्यमान आ जाएगा। एक ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके विद्युत उत्पन्न करते हैं, इस प्रक्रम में हाइड्रोजन एनोड पर ऑक्सीकृत होते हैं और ऑक्सीजन कैथोड पर अपचयित होते हैं, STP पर इतने लीटर हाइड्रोजन 67.2 लीटर हाइड्रोजन 15 मिनट में अभिक्रिया करती है तो उत्पन्न हुई औसत धारा क्या होगी। STP पर हाइड्रोजन का आयतन दिया हुआ, कितना हाइड्रोजन मतलब V की वैल्यू दिया हुआ है इसका, और 15 मिनट के लिए टाइम दिया हुआ, धारा निकालना है, तो इसके लिए V=VE×I×T/96,500 ये मान रख करके निकालेंगे, है ना। यदि पूर्ण धारा कॉपर 2K विलयन से कॉपर को निक्षेपण में प्रयुक्त होती है तो कितने ग्राम कॉपर विक्षेपित होगा, मतलब कॉपर का भार भी निकालना है, जब आपको I की वैल्यू आ जाएगी तो W का मान निकालना है, W=E×I×T/96,500। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जब कॉपर के जली विलयन में 0.3 एम्पियर की वैद्युत धारा को 2 घंटे के लिए प्रवाहित किया था तो एकत्रित कॉपर का द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये बिल्कुल आसान है, है ना, ये W का मान निकालना है और कुछ नहीं करना है, है ना, इसको आप आसानी से कर लेंगे। अगला सवाल मैं लिख करके समझा दे रहा हूं, चौथा सवाल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले धात्विक पात्र, पृष्ठ क्षेत्रफल वाले धात्विक पात्र पर 0.5 एम्पियर धारा
2 घंटे तक प्रवाहित कर सिल्वर की परत चढ़ाई गई, सिल्वर की परत चढ़ाई गई। तब चढ़ाई गई परत की मोटाई ज्ञात कीजिए। चढ़ाई गई परत की मोटाई ज्ञात कीजिए। सिल्वर का घनत्व, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसका सिल्वर का परमाणु भार 108, और 1 फैराडे की वैल्यू आप जानते हो 96,500 कूलम्स। तो इस प्रश्नों को आप प्रयास करिए, बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से निकल आएगा, है ना। इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 सवाल मैंने आपको दिए हैं, 4 सवाल आपको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप इसको चाहे वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।